क्योंकि पुलिस वालों का अहम किरदार होता है अमन की बरकरारी में। इस हैसियत से हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब की शायद फटाते हुए खुशी की जाएगी। साहब के दस्ते मुबारक से उन्हें भी पीच अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और साहब की हिंदी में एक तहरीर करता किताब जो जिंदा जादू और नजर लगना के उपाय से है, ये किताब बहुत ही काम की है। आप इसका मुताला कीजिए। ये 6 एडिशन इस किताब के मंजर यहाँ पर आ चुके हैं। हर आवाम में मकबूल हो चुकी है ये किताब। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब को ये किताब बतौर इनाम दी गई। जनाब मंसूर अहमद खान साहब, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मंसूर खान साहब, मंसूर पठान साहब, मंसूर खान पठान साहब, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट। मुबारक से मंजूर खान पठान साहब की शाया पहनाया गया, खुशी की गई और पीछे बार ऐसा किया गया है। अब मैं श्री मनोज कपाड़े साहब नगर सेवक से दरखास्त करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाएं, मंच पर आए। मनोज कपाड़े साहब, मनोज कपाड़े साहब नगर सेवक को हजरत साबित साहब के दस्ते मुबारक से शाया पहनाया जा रहा है। मनोज कपाड़े साहब नगर सेवक की हजरत साबित साहब के यहाँ पर खुशी की जा रही है और उन्हें पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और हाफिज साहब की हिंदी में तहरीर करता किताब जिन्ना जादू और नजर लगना पर अपनी किताब भी आपको तोहफे के तौर पर पेश की जा रही है। श्री नंद कांबड़े साहब कॉर्पोरेटर कांग्रेस से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। श्री नंद कांबड़े साहब, मुबारक से शाम खुशी की जा रही है। खुद खुशी की जा रही है। रंग कांबड़े साहब की साबित साहब के दस्ते मुबारक से और रजीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्हें हिंदी में किताब साबित साहब की तहरीर करता जिंदा जादू और नजर लगना भी तोहफे के तौर पर पेश की जा रही। सभी साहब से दरखास्त करता हूं राष्ट्रवादी लीडर शेख सबीर साहब के साबित साहब के दस्ते मुबारक से खुशी और खुशी की जा रही है और पीस अवार्ड भी दिया जा रहा है।
अब इसके बाद श्री गोविंद पाठ साहब नगर सेवक से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मंच के पास आए। गोविंद पाठ साहब नगर सेवक। गोविंद पाठ साहब नगर सेवक की गुलपोशी की जा रही है तथा विकास की तरफ से मुबारक से गुलपोशी की जा रही है और तथापि साहब की हिंदी में तहरीर करता किताब जितना जानो नजर लगना बतौर तोहफा पेश की जा रही है। शौकत खान साहब हैदराबाद से दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। जो साइटिन किताब जिंदा जागरूक और नजर लगा उर्दू एडिशन दिया जा रहा है। अब पीटम के मेहमान दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाए। श्रीनिवास रेड्डी साहब, श्री श्रीनिवास रेड्डी साहब सेक्रेटरी, श्री श्रीनिवास रेड्डी साहब सरपंच, पीटम से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाए। तेलंगाना के जिले कामरेड्डी के पीटम से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास रेड्डी साहब सरपंच के हजरत हाफिज साहब की हजरत मुबारक से शालोपोशी और गुलपोशी की जा रही है और उन्हें प्रीज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री नरसा गौड़ साहब सादक एमपीपी से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। नरसा गौड़ साहब, नरसा गौड़ साहब श्रीनिवास रेड्डी ये नरसा गौड़ साहब सादक एमपीपी है पीटम जिले कांग्रेस तेलंगाना स्टेट के। इनकी बेटी बहुत बीमार थी, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया था, कई दवाखाने फिर चुके थे, लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए लेकिन हाफिज साहब के पास यानी बाबा से रुजू हुए और हाफिज साहब ने जैसे ही ये रुजू हुए इनका इलाज हुआ और चंद ही दिनों में इनकी पर्ची ठीक हो गई और इन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और आज भी कहते हैं कि बाबा ने मेरी पर्ची को ठीक कर दिया अल्लाह के करम से। प्रताप रेड्डी साहब सादक डिप्टी मधु के डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी सेक्रेटरी मधु के डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी सेक्रेटरी से दरखास्त करता हूं ये मंच पे आए सरकार के हाथ हाथों। साहब के हाथों की खुशी की जा रही है, खुशी की गई है और उन्हें तेलुगु की किताब जो हजरत हाफिज साहब की तेलुगु में तहरीर करता किताब है ये किताब हिंदी उर्दू रोमन इंग्लिश और तेलुगु में लिखी गई है। ये किताब हजरत साहब की पेश की जा रही है। श्रीधर साहब अय्यप्पा टेम्पुल पिटलम से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। अय्यप्पा टेम्पुल के प्रेसिडेंट है एम शशिधर साहब। मोहम्मद अफजल साहब जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपल पीटम ये पीटम के साथियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपल पीटम मोहम्मद अफजल साहब से दरखास्त करता हूं। इनके साथ मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सलीम साहब रिपोर्टर पीटम ये मोहम्मद अफजल साहब जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपल पीटम की
जो साफियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं पिछलम से साफे साहब के दंते मुबारक से उनकी शालपोशी की जा रही है, उनकी दिलखुशी के साथ उन्हें तेलुगु जबान में किताब भी पेश की जा रही है। इसी तरह मोहम्मद सलीम साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मोहम्मद सलीम साहब ये भी साफी हैं, पिछलम से साफे साहब उनकी दिलखुशी और शालपोशी पर पा रहे हैं। जनाब शकील साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो जनाब शकील चिश्ती साबरी साहब जो सियासी लीडर भी हैं और साबरी साहब के मुस्तफिद भी हैं, मुरीद भी हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं साबरी साहब के जलसे मुबारक से उनकी शौकपोशी गुलपोशी करते हुए उन्हें पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अशोक गायकवाड़ साहब बैंक ऑफ पुलिस से ताल्लुक रखने वाले श्री अशोक गायकवाड़ साहब जो साफे साहब के मुस्तफिद हैं, साफे साहब की गुल खुशी पर आ रहे हैं। श्री धनराज जयवाल साहब पीआई औसा ग्रामीण पुलिस स्टेशन लातूर साफे साहब को गुलदस्ता पेश किए और अभी दस का इंतजार करवा रहे हैं। अब इसके बाद मैं प्रभाकरण फुलके साहब से ये अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये जलसा मुनक्किद किया गया है। अमन और पैगाम के मोहब्बत के साथ साथ उर्दू जबान में जो मोहब्बत के साथ हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जिनके ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरी मुलाकात जनाब प्रहलाद भाटी साहब से है कि वो तशरीफ लाए। प्रहलाद भाटी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदू मुस्लिम एकजहती को जिंदा करने वाली, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत को जिंदा रखने वाली, उर्दू और हिंदी जबान दोनों जबानों के इंतजार करते हुए शायरी की जबान में ये दोनों बहनों के एक साथ करने वाली, मिलन की धरती में मोहब्बत के पैगाम को आम करने वाली शख्सियत प्रहलाद भाटी साहब, जिनकी गुलखुशी साफे साहब के जलसे मुबारक से की जा रही है और उन्हें पीस अवार्ड अदा किया जा रहा है। और साफे साहब की आलिकुल्लाह किताब जिंदा जामुन नजर लगा का हिंदी वर्षन उन्हें बतौर तोहफा किया जा रहा है। जरा प्रभाकरण कुलिये साहब प्रभाकरण कुलिये साहब साफे साहब के जलसे मुबारक से शौकपोशी और गुलपोशी की जा रही है। जितने जहां से भी वफद आए हैं औसा, मांगनी, भाटा, पिछलम और जहां